स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद लॉकडाउन को लेकर पूरे जिले में लोगों को घरों में रखने को लेकर प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। चंद्रपुरा प्रखंड में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास पर उन्होंने न्यूज 11 भारत से बात करते हुए लोगों से घरों में रहने की अपील की है। साथ ही कहा है कि निजी विद्यालयों को स्कूल की फीस और बस फीस इस दौरान नहीं लेने की अपील की है। साथ ही बाहर में फंसे लोगों पर चिंता व्यक्त की है। पांव पसारता जा रहा है, यह एक विषय है, चिंतनीय विषय है। और अगर हम तेलो साड़म और पिपराडी की बात करें तो जिस तरह से यहां से मिले हैं, कुल बोकारो में 9 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और एक 75 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई है। तो हमारे साथ राज्य के मंत्री जगन्नाथ महतो हैं, हम उनके आवास पर हैं भंडारीदा में। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की तैयारी की गई है। एक चीज़ बताइए, जिस तरह से साड़म में मिला है यहाँ तेलो में और मिला, क्या तैयारी है? देखिए, प्रशासन की ओर से पूरा तैयारी है, चाहे तेलो हो, चाहे पिपराडी हो, चाहे साड़म हो, हॉटस्पॉट के रूप में लिया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर रोकने का प्रयास हुआ है। और यही कारण है कि अभी और नए केस नहीं आया है, इसलिए जिला प्रशासन मुस्तैद है, अपने जिला प्रशासन अपना काम कर रहा है। हम चाहेंगे कि जो भारत सरकार, राज्य सरकार जो लॉकडाउन का पालन सभी जनता को करना चाहिए, सोशल डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, हम सभी से अपील करता हूं आपके माध्यम से। आप तरह से कोरोना पॉजिटिव पाया गया जिन क्षेत्रों में, निगरानी कैसे की जा रही है उधर? निगरानी के लिए वहां सीसीटीवी लग रहा है, प्रशासन की जिम्मेदारी दिया गया, प्रशासन मजिस्ट्रेट के साथ पेट्रोलिंग कर रहे हैं, कहीं कैंप है उस तरह किया जा रहा है। कई लोगों पर केस भी किया गया जो इसमें नहीं माने हैं, जो नहीं माना है कानून को, जो नहीं माना है उस पर FIR भी हुआ है। एक चीज बताइए, कल बोकारो उपायुक्त के यहाँ आप लोगों की मीटिंग में चली, तो उस मीटिंग में क्या बात हुई, किस तरह से चर्चा की गई, किन किन विषयों पर? बस लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंस और विशेष तौर पर जो राज्य सरकार का, भारत सरकार का जो, जैसे आपका जन वितरण प्रणाली बढ़िया से सबको मिले, कहीं से शिकायत नहीं हो। दूसरी बात आपका दीदी किचन का जो बात है, दाल भात योजना है, कोई गरीब आदमी भूखे नहीं रहे, इसलिए कल बैठक था हम लोग। शिक्षा मंत्री हैं और जब से कोरोना वायरस के कारण स्कूलें बंद की गई है और लगातार ये कब तक चलेगा किसी को नहीं पता है, लेकिन जिस तरह से स्कूल के लोगों पर जो पेरेंट्स हैं उनको दिक्कतों का सामना करना, फीस लगेगा नहीं लगेगा, आपके माध्यम से हालांकि उसको बोला भी गया है कि फीस ना लिया जाए, ऐसे में क्या करें? हमने कहा है पत्र के माध्यम से, DC साहब का भी पत्र के माध्यम से गया है कि जो स्कूल नहीं चला है कोरोना के समय से, जब से बंद है, और जो बस नहीं चला इसका फीस नहीं ले। तो ये थे राज्य के मंत्री जगन्नाथ महतो और इन्होंने भी लोगों से अपील किया है और कहा है कि लॉकडाउन का पालन करें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें।